कराची में अल फुरकान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से सजाया गया दो रोजा विंटर कार्निवल। हुनरमंद तलबा की कारीगरी देखने से ताल्लुक रही, खूबसूरत मलबूसात और दस्तकारी शुरका की तवज्जो का मरकज बन गए। देखते हैं मोहम्मद काशान की ये रिपोर्ट। कराची में अल फुरकान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के तहत विंटर कार्निवल, खाने पीने की अशिया, खूबसूरत मलबूसात और दस्तकारी की रंग बिरंगी अनोखी अशिया शुरका की तवज्जो का मरकज। मेहमान खुसूसी रोटरी इंटरनेशनल के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रिजवान आढ़िया ने अल फुरकान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की कावज को खूब सराहा और बच्चों की हौसला अफजाई की। मेरी एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है, बहुत ज़बरदस्त कार्निवल है। जो बच्चों ने यहाँ परफॉर्म किया, जिस तरीके से इनके बच्चों की तरबियत की गई है, उससे जाहिर होता है कि ये फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है अपने बच्चों के लिए। अल फुरकान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सदर रोबीना फरियाल आसिफ ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, बच्चों के लिए खुसूसी विंटर कार्निवल का इनेकाद किया गया। बहुत कलरफुल इवेंट है, बच्चों की परफॉर्मेंस एक्सेप्शनल है और जिस तरीके से लोग आए हैं इस कॉज को सपोर्ट करने के लिए, ये हमें बहुत ज़्यादा हमारे लिए हौसला मंद है। दुर्दाना अरशद ने भी तकरीब को खूब सराहा। अल फुरकान के साथ काम करते हुए मुझे ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, मगर बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। हेल्दी एटीट्यूड है इन लोगों का और बहुत मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि अपने दिल से कर रहे हैं ये लोग। तलबा ने कहा अल फुरकान वेलफेयर ने उनका सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का ख्वाब पूरा कर दिया। मैंने ख्वाब मतलब एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर का देखा है और इंशाल्लाह मेरे स्कूल में सपोर्ट कर रहा है फुल। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अल फुरकान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का, जिसके वजह से मैं पढ़ सका और आज मैं यहाँ एज अ वॉलंटियर यहाँ पे हूँ उनकी वजह से। विंटर कार्निवल में 100 से ज्यादा बच्चों ने शिरकत की। नन्हे बच्चों की जानिब से टैबलो भी पेश किया गया, जिसको शुरका ने खूब सराहा। अल फुरकान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से सजाया गया दो रोजा रंगारंग विंटर कार्निवल इख्तिताम पजीर हो गया। कार्निवल मेले में बच्चों ने खूब इंजॉय किया। कैमरामैन दानिश शकील के साथ मोहम्मद काशान, बोल न्यूज़ कराची। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।